सैनिकों के ठीक बाहर ये अग्नि हजारों सालों से जल रही है। चार हजार दो सौ साल पहले भारत के कुछ योगी यूनान गए। ये मणिपूरक चक्र है, ये विशुद्धि की एक असाधारण उपस्थिति है, सीधे आपके कंठ पर लगती है। किसी और दुनिया के जीवन ने इसे एक तरह से हवाई अड्डे की तरह चुना है, वो भविष्य का इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अज़रबैजान मतलब अग्नि की भूमि। तो यहां ऐसे स्थान है जहां खुद ब खुद प्राकृतिक गैस जमीन से रिस कर बाहर निकल रही है और जल रही है। तो हजारों सालों से ये आग जल रही है और ये हिंदू मंदिर जो इस जलती हुई गैस की अग्नि के चारों ओर बनाया गया है, ये तकरीबन 8,500 साल पुराना है। इसे कई बार दोबारा बनाया गया पर ओरिजिनल मंदिर 8,500 साल पुराना माना जाता है। हम यहाँ अज़रबैजान के अग्नि मंदिर में हैं, बाकू के ठीक बाहर। ये आग हजारों सालों से जल रही है। ये इस जगह के प्राचीन हिंदुओं के लिए एक पवित्र जगह है और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आज के भारत के हिंदुओं के लिए भी, जो पूरा मिलाकर एक समय पर हिंदुस्तान कहा जाता था, वो सब यहाँ आए। ये मध्य एशिया में एक दूसरे काशी की तरह है, जहां लोग आते थे एक वजह जीने के लिए और दूसरी वजह मरने के लिए, क्योंकि इस संस्कृति ने यह पहचाना कि अच्छे से जीना बहुत महत्वपूर्ण है, पर उतना ही महत्वपूर्ण है अच्छे से मरना। तो इस वजह से लोग हमेशा एक पवित्र स्थान पर मरने आते थे, जैसे कि आज भी लाखों लोग मरने के लिए काशी जाते हैं। ये भी ऐसी एक जगह थी, वो संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी लाखों तीर्थयात्री इस अग्नि मंदिर के लिए आज भी यहां आते हैं। लगभग 4,200 साल से थोड़ा और पहले भारत से कुछ योगी यूनान गए और वहां कुछ लिंगों की स्थापना की, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, जिन्हें पृथ्वी की नाभि कहा जाता है। मैंने कहीं पर यह तस्वीर लगभग 15 साल पहले देखी थी और मैं तुरंत पहचान गया कि मणिपूरक चक्र है। मैंने पूछा कि यह किसने बनाया है, कहां पर है। वो बोले ये डेल्फी में है। काफी समय से मैं वहां जाने की सोच रहा था और इसमें 15 साल लग गए, क्योंकि हम ऐसी कुछ जगहों पर गए जहां, और ये 4,200-4,300 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, पर ये अब भी जीवंत हैं। उन्होंने इन्हें बदल दिया है, वो इन्हें मूल स्थान से ले गए हैं और संग्रहालयों में रख दिया है, पर ये अब भी जीवंत हैं, आप इन्हें मार नहीं सकते। यही इस प्रक्रिया की सुंदरता है। कुछ बहुत ही शक्तिशाली चीज यहां पर थी बहुत बहुत समय पहले। यह भूमि आज भी उस ऊर्जा से भरी हुई है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यहाँ तीन चक्र हैं, तो एक है नाभि और दूसरे दो चक्र इसके सहायक हैं, जो कि मूलाधार और स्वादिष्ठान हैं। ये इसे करने का एक बेहतरीन तरीका है। इसी तरह हमने भैरवी को बनाया है, पर वो एक ही रूप में है। यहाँ उन्होंने एक मंदिर की तरह बनाया है। दक्षिण भारत में ऐसे स्थान हैं, इतने भव्य नहीं, पर इस सिस्टम के जैसे ही कुछ मंदिर हैं जहां आप चक्र बनाते हैं। अगर आपको तीनों या सातों चक्रों को मिला जुला कर एक रूप बनाना हो तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है, पर अलग अलग इस तरह से बनाना ये कहीं ज्यादा आसान है।
यहाँ हम ग्रैंड कैनियन में हैं। इसे बनने में लाखों साल लगे, जो इस जगह के भूविज्ञान के इतिहास को दर्शाता है, जो कि लगभग 180 करोड़ साल पुराना बताया जाता है। असल में ये कोलोराडो नदी है जो पृथ्वी को लगभग 1 मील गहरा काटकर नीचे उतर गई है, पर यहां यह जीता जागता प्रमाण है कि पृथ्वी के साथ लाखों साल में क्या हो जाता है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है, कल्पना से परे। ग्रैंड कैनियन उतनी ग्रैंड जितनी यह हो सकती है। पहले मुझे लगा कि यह बस चट्टाने हैं, पर पूरी जगह ऐसी है और ये इंसानों की उपस्थिति के लिए इतनी संवेदनशील है कि कुछ खास तरह की चीजें जो हम करते हैं उसे ये भांप लेती है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है, केवल प्राकृतिक ताकत से। ये पक्का है वो स्थानीय लोग जो इस आयाम के प्रति संवेदनशील हैं निश्चित ही कहेंगे कि यहां आत्माएं हैं जो उन पर काम कर रही हैं, जो एक तरह से वो बहुत गलत नहीं है। ये पृथ्वी की आत्मा ही है, जो बहुत गलत नहीं है, उस तरह से नहीं कि यहां कोई भूत काम कर रहा है, पर यहां एक जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा प्रवाह है। वैसे ऐसी कई जगहें हैं, प्राकृतिक स्थान जहां एक खास मात्रा में ऊर्जा है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह ये इंसानों की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील है। अविश्वसनीय। जैसे हम वायोमिंग के मैदानों में घूमे, एक चीज जो मेरे अनुभव में उभर कर आती है वो है मातो तिपिला विशुद्धि की एक जबरदस्त उपस्थिति है। ये बस असाधारण नहीं, ये अविश्वसनीय है कि इस तरह का एक रूप बना। मुझे नहीं पता कैसे, पर यह विशुद्धि का एक शक्तिशाली रूप है। मैंने कैलाश के अलावा दूसरी कोई ऐसी चीज नहीं देखी है। वैसे ध्यानलिंग में ये है, पर उसकी प्रकृति अलग है, वो बहुत सूक्ष्म है। मैंने कोई दूसरा ऐसा प्राकृतिक रूप नहीं देखा है जो विशुद्धि को इस तरह से उत्सर्जित कर रहा हो। मातो तिपिला सीधे आपके कंठ पर लगता है, ये एक आयामी है, क्योंकि ये विशुद्धि है। ये अविश्वसनीय है कि इन चट्टानों ने 6 मुखी रूप ले रखा है, ज्यादातर ने, अधिकांश ने, और यहां ये भव्यता से खड़ा है, लगभग शिव के कंठ की तरह। ये बिना सिर का शिव है, ये इस तरह दिख रहा है। तो जीवन का ये आयाम बहुत ही दुर्लभ है। दुनिया में ऐसे कई केंद्र हैं जो अलग अलग आयामों को सक्रिय करते हैं, पर मैं आपको बता दूं, इतना शक्तिशाली कंठ का केंद्र पूरी दुनिया में मुश्किल से 2-3 जगह पर ही है। मैं बिल्कुल अचंभित रह गया जिस तरह से ये जीवन के इस आयाम के साथ गूंज रहा है। ये एकदम अद्भुत है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, ये प्राकृतिक रूप से हुआ है। भारत में हम अपनी खुद की संरचनाएं बनाते हैं, हम इस तरह की ऊर्जा के स्पंदन के लिए प्राण प्रतिष्ठित संरचनाएं बनाते हैं, पर हम जो बनाते हैं वो छोटे रूपों में होता है। यहां ये इतने भव्य रूप में खड़ा है। किसी को इसकी भौतिक उपस्थिति में होना जरूरी नहीं है। इतने शक्तिशाली आयाम से आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। इस झील में जबरदस्त गतिविधियां हो रही हैं और इस काम का, ये काम उस तरह का है कि
इसका इस ग्रह के जीवन की किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। यह कुछ बिल्कुल ही अलग है। यह जीवन है पर वैसा नहीं जैसा हम जानते हैं। मैं मानसरोवर को आध्यात्मिक जगह नहीं कहूंगा क्योंकि आध्यात्मिकता इंसानों में से होती है। ये जीव, अगर आप उन्हें ये कह सकें, मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या कहें, हम उन्हें जीव कहें या चीजें या प्राणी या कुछ और। हमारे पास उन चीजों या घटनाओं के लिए शब्द नहीं होते जो हमारे अनुभव क्षेत्र में नहीं होते। जिसे हम जीवन के रूप में जानते हैं उनका उसकी किसी चीज से लेना देना नहीं है। तो असल में ये आध्यात्मिक जगह नहीं है पर किसी तरह कहीं और के जीवन ने इसे एक तरह से हवाई अड्डे की तरह चुना है। वो यहां लैंड टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड टेक ऑफ जबरदस्त गति के साथ। ये पागल कर देने वाला है, ये किसी तर्क में फिट नहीं बैठता कि क्यों लाखों साल से इस धरती की एक जगह को उस जीवन के द्वारा उपयोग किया जा रहा है जो यहां का है ही नहीं। क्यों क्यों एक ही जगह और क्यों इतने लंबे समय तक? मानसरोवर में जो हो रहा है उसे देखकर एक अनुमान ये है कि शायद इंसानों के निर्माण में इन ताकतों या इन जीवों का हाथ है। ये एक अनुमान है। दूसरा ये कि शायद वो भविष्य के एक इंसान के निर्माण की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनकी ये एक कार्यशाला है जहां वो खुद को इंसानों का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस ग्रह के जीवन में हिस्सा ले सकें। कैलाश को हमेशा से ही महान जीवों का घर माना गया है क्योंकि कई महान जीवों ने अपने काम को जमा करने के लिए, अपने काम को सुरक्षित रखने के लिए कैलाश को चुना। स्वयं शिव से आरंभ होकर और फिर पहले तीर्थंकर और महानतम बौद्ध गुरुओं में से दो ने, इन सभी ने अपने काम को सुरक्षित रखने के लिए कैलाश पर्वत को एक जगह के रूप में चुना। जब मैं कहता हूं काम को सुरक्षित रखना तो असल में इस ग्रह पर आज तक इन हजारों सालों में जितने दिव्य दर्शी हुए हैं उनमें से ज्यादातर को अपने आसपास के लोगों से अगर अपने काम का 1 या 2% भी बांटने का मौका मिला तो वो भाग्यशाली हैं। अधिकतर को इतना करने को भी नहीं मिलता। तो उन्होंने इसे जमा करने के लिए हमेशा ऐसी किसी जगह को चुना जहां पर लोगों का बहुत आना जाना न हो पर जो जाने के इच्छुक हैं उनके लिए पहुंचने योग्य भी हो। तो कैलाश एक ऐसी जगह है। ये पूरी तरह से पहुंच के बाहर नहीं है पर यह इतनी कठिन भी है कि कई सारे लोगों को हतोत्साहित करे। इस तरह के और कई स्थान हैं पर अगर जमा किए गए काम की मात्रा और विविधता की बात की जाए तो कैलाश ही एकमात्र जगह है।